गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं करेंटली वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरल एंट्रीज रिलेटेड विद P&L एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिफरेंस बिटवीन P&L दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इफ यू टॉक अबाउट द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म, here's a comparison. On the right hand side you are having partnership firm, final accounts of partnership firm, and on the left hand side you are having final accounts of sole proprietorship firm. In case of sole proprietorship, as there is only a single owner, yani sirf ek single owner hota hai sole proprietorship ke case mein, then uske final accounts mein he or she prepares trading, profit and loss account and then balance sheet. But in this case where there is a partnership firm, one has to prepare trading profit and loss account because इससे आपको net profit या net loss मिलेगा amount जो भी आपके firm ने during the year earn किया है। Then balance sheet जो as usual हम बनाते हैं ताकि financial position हम determine कर सकें firm की, but as it is a partnership firm and you are supposed to distribute profit among different partners, so you have to prepare a new account that is called profit and loss appropriation account. अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव ही यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आप कैसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एज वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ एवरी लेजर अकाउंट द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। सो इन दिस केस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट द फर्स्ट एंट्री विच इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेफर्स टू the profit for the current year. It means the profit for the current year, जो भी यानी current year का profit है, as per the question, you will have to write it on the right hand side, that is this one. Then the second entry is by interest on drawing. Interest on drawing, जो भी drawings partner ने करी है during the year on the basis of different formulas which we'll be discussing later on, उसको use करके आप interest on drawing निकालेंगे सेपरेटली। यहाँ मैंने रिज्यूम किया है दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अंदर इस पर्टिकुलर्स में ए बी एंड देन जो भी टोटल आएगा वो हम बाहर लिख देंगे। देन ऑन द डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज ए फॉर ए एंड बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे वो ए और बी का आप यहाँ लिख देंगे। देन टू सैलरी एंड कमीशन, अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउ करी गई है तो टू सैलरी एंड कमीशन करके वो यहाँ पे एंट्री होगी। टू रिजर्व, ये क्वेश्चन में कई बार स्पेसिफाई किया गया होता है कि नेट प्रॉफिट का इतना पोर्शन या फिर जो भी प्रॉफिट है उसका इतना पोर्शन किसी रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो अगर ऐसी कंडीशन दी गई होगी तो अगेन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड दैट इज टू रिजर्व, और मैंने यहाँ लिखा भी है ट्रांसफर टू रिजर्व इफ इन क्वेश्चन। देन फिर आता है टू एज कैपिटल या करेंट अकाउंट, बीज कैपिटल या करेंट अकाउंट, ये एंट्री जो हुई है दैट इज फॉर प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट कैसे आएगा, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स डेबिट साइड, यानी क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हो गई यानी राइट हैंड साइड आपकी ज्यादा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो राइट हैंड साइड का टोटल है वो माइनस होगा लेफ्ट हैंड साइड के टोटल से एंड डिफरेंस निकल के आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज प्रॉफिट, उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी क्वेश्चन में मैंशन किया गया है। कुछ बुक्स में और कुछ टीचर्स इसको ऐसा भी लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मैंने इसको यहाँ पे टू एज कैपिटल करेंट और बीज कैपिटल करेंट इसलिए लिखा है सो दैट इट कैन ईजिली बी यूज वाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज, यानी आप जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक सिखाऊंगा जर्नल एंट्रीज करने की, तो उस टाइम पे ये यूज होगा, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब अगर हम बात करें कुछ फीचर्स की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, तो सबसे पहले फीचर ये है कि इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आप सबको पता ही होगा, यू हैव गॉन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट इन क्लास 11th। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है दीज आर द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस एंड इनकम। इस केस में जो रूल फॉलो होगा वो होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी जो भी लॉसेज या एक्सपेंसेस हैं सबको डेबिट कर दीजिए एंड जो भी इनकम या गेन है उनको आप क्रेडिट कर दीजिए। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इस अकाउंट को प्रिपेयर करते वक्त, या अगर उनको बेसिकली किसी भी अकाउंट का नेचर पता हो तो आप इजिली एंट्रीज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म दे रही है तो फर्म के लिए वो एक एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पे इसलिए उनके लिए एक्सपेंस है, इसलिए दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड हुआ है। अपने फॉर्मेट्स को आप अभी देखिएगा। एंड देन इनकम, यहां लिखा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो रूल है नॉमिनल अकाउंट का। तो अब इस सिचुएशन में अगर आप फॉर्मेट को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में रिकॉर्डेड है, यानी कि राइट हैंड साइड में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो फर्म चार्ज करती है वो पार्टनर्स से ले रही है. द वन हु हैज विथड्रॉन द मनी फ्रॉम द फर्म, फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन दैट मनी. तो फर्म के लिए वो चीज क्या है, इनकम है. दैट इज दैट्स व्हाई इट इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड इन दिस अकाउंट. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद प्रिपेयर होता है तो उसका एक एक्सटेंशन है, यानी कि उसके आगे की प्रोसेस है ये. थर्ड फीचर इज दिस कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स ओनली. यानी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स इसको बनाती हैं बिकॉज इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. नेक्स्ट फीचर इज इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर शोइंग या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ओनली. देन द नेक्स्ट फीचर इज इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इसको बनाते टाइम जो प्रोविजन्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रखे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है. साथ ही साथ इट इज ऑल्सो बींग प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग विद द पार्टनरशिप डीड विच इज बींग साइन बिटवीन द पार्टनर्स, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी करी है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है.